केंद्रीय नेतृत्व को और हमारे एनडीए गठबंधन के तमाम जो सहयोगी दल हैं उन सभी लोगों को मैं अपनी ओर से व्यक्तिगत तौर पर और पार्टी की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत अच्छा, सब हम लोगों का पूरा सहयोग है, हम तो बधाई देने के लिए आए हैं। इन्होंने बिहार की इतनी सेवा की है, पहले भी लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं और अब तो इनके लिए चारों तीन सदन के सदस्य रह चुके हैं, लोकसभा के सदस्य रह चुके, विधानसभा के, बिहार विधान परिषद के और अब राज्यसभा के सदस्य होने जा रहे हैं, इसलिए इनको विशेष तौर पर बधाई है और आगे जरूर अपने पार्टी के नेतृत्व के मार्गदर्शन में मुझे पूरा भरोसा है ये देश की सेवा करेंगे और इनको जरूर आगे और भी काम करने का अवसर मिलेगा, ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी होगी। मित्रों, मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनका आज जन्मदिन भी है, मैं इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है और मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी जी और हम पार्टी के अध्यक्ष श्री जीतनराम मांझी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके सभी विधायकों ने और समर्थन का हस्ताक्षर किया है। इसलिए मित्रों, मैं फिर से एक बार केंद्रीय नेतृत्व को और हमारे एनडीए गठबंधन के तमाम जो सहयोगी दल हैं उन सभी लोगों को मैं अपनी ओर से व्यक्तिगत तौर पर और पार्टी की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत अच्छा, सब हम लोगों का पूरा सहयोग है, हम तो बधाई देने के लिए आए हैं। इन्होंने बिहार की इतनी सेवा की है, पहले भी लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं और अब तो इनके लिए चारों तीन सदन के सदस्य रह चुके हैं, लोकसभा के सदस्य रह चुके, विधानसभा के, बिहार विधान परिषद के और अब राज्यसभा के सदस्य होने जा रहे हैं, इसलिए इनको विशेष तौर पर बधाई है और आगे जरूर अपने पार्टी के नेतृत्व के मार्गदर्शन में मुझे पूरा भरोसा है ये देश की सेवा करेंगे और इनको जरूर आगे और भी काम करने का अवसर मिलेगा, ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी होगी। आज इनका मोदी चलो बिहार और क्या सरकार मिस करेंगे, नहीं नहीं, हम लोग तो साथ इतने दिनों से काम किए, अब तो हम लोगों की तो इच्छा थी सबको जग जाहिर है, लेकिन ये तो हर पार्टी का अपना एक निर्णय होता है, उनको अब यहाँ के बजाय केंद्र में इनको ले जाना चाहते हैं तो ये और खुशी की बात है इनके लिए। और जो हमने कहा कि अब चारों सदन के सदस्य रह चुके, ये बहुत कम लोग हैं जो हर चारों के सदस्य रहे, तो ये अवसर इनको भी मिल रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। और सब लोगों ने, पूरे एनडीए गठबंधन के चारों दलों ने पूरे तौर पर इनका सहयोग और समर्थन किया है, ये निर्वाचित होने वाले हैं और हम सब लोगों को इनके प्रति बधाई है। सर, जिनको जिम्मेवारी मिलेगी केंद्र को लगता है बिहार को लाभ मिलेगा, आपको और आपके आदमी जा रहे हैं तो केंद्र सरकार का लाभ तो बिहार को मिल ही रहा और मिलेगा। चलिए कर दीजिए, सर।
माइक।